हाय एवरीवन, मैं मयंक पांडे आप लोगों का अपने YouTube चैनल के सी आई टैली स्पेशलिस्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मेरे टैली ऑनलाइन क्लास का टॉपिक है परचेज एंड सेल्स वाउचर विद GST। कहने का मतलब, जब हम माल को परचेज करते हैं तो उसमें GST कैसे हम डिडक्ट कराते हैं, माल को हम सेल करते हैं तो GST कैसे डिडक्ट करता है, वो सारा कुछ आज इस क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट इस वीडियो को देखने से पहले हमारी पिछली वीडियो आप ज़रूर देख लें, क्योंकि वो GST लेजर्स की वीडियो है जिसमें कंप्लीट लेजर जो GST से रिलेटेड लेजर्स होते हैं, जैसे CGST, SGST, IGST, परचेज सेल्स तथा पार्टी लेजर से सारा कुछ मैंने उसमें डीपली आप लोगों को बताया हुआ है। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक होगा, वहां से उस वीडियो को आप प्राप्त कर सकते हैं। तथा GST से रिलेटेड मेरे पीछे दो और वीडियोज़ हैं, उसको भी आप देख लेंगे तो GST से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन्स आपको नहीं रह जाएंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें तथा हमारी वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। बिकॉज जब इसको आप शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैली का ये फ्री क्लास कम्प्लीटली मिल पाएगा। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, और टैली में हम GST वाउचर कैसे करते हैं, GST अकाउंटिंग कैसे करते हैं, वो कंप्लीट हम जानते हैं। वीडियो अगर आप लास्ट तक देखें, बिकॉज ये लास्ट तक आप नहीं देखेंगे तो जो GST पेबल कैसे होता है, GST रिफंडेबल क्या है, GST को हम पे कैसे करते हैं, वो सारा कुछ आप नहीं जान पाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और टैली में कंप्लीट GST से रिलेटेड वाउचर्स को करके देखते हैं। एवरीवन, तो हम आ चुके अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, आप देख पा रहे हैं हम टैली के मेन मेनू गेटवे ऑफ टैली पर अवेलेबल हैं। जैसा कि मैंने भी आप लोगों को बताया कि आज मैं आप लोगों को परचेज एंड सेल्स वाउचर विद GST, इट मीन्स GST को हम वाउचर में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, इस वीडियो में कंप्लीट मैं आप लोगों को बताऊंगा। और जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को GST का कंप्लीट लेजर बनाना बताया हुआ था, तो जिसने भी वीडियो ना देखी हमारी पिछली, देख लें। हम एक बार आपको यहाँ चेक करा देते हैं लेजर्स, हम लेजर्स पर जाएंगे, डिस्प्ले करेंगे, यहाँ हमारे लेजर्स बने हुए हैं। हम चलते हैं बैक, अब हम चलते हैं एज एग्जांपल हम आइटम भी क्रिएट कर लेते हैं, बिकॉज हमने कोई भी आइटम भी क्रिएट नहीं कर रखा है इसमें। तो आइटम क्रिएट करने के लिए आप लोग जानते हैं कैसे आइटम क्रिएट किया जाता है, अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री रिलेटेड वीडियो मैंने बनाया हुआ है पीछे, जिसको भी आइटम क्रिएट करना ना आता हो उस वीडियो को ज़रूर देख लेगा। यहाँ से हम क्रिएट में जाते हैं और यहाँ हम एक आइटम बना लेते हैं, रेडमी नोट 9 प्रो, एक मोबाइल का मॉडल है ये। अंडर में हम कोई, चूँकि हमें एक आइटम पे वर्क करना है तो हम ग्रुप नहीं क्रिएट किए हुए हैं, हम अंडर में अंडर हेड जो प्राइमरी डाल देते हैं। यहाँ से हम यूनिट में हम PCS चुन लेते हैं, हम आगे आ जाते हैं स्टेटरी इन्फॉर्मेशन हमें, हम GST एप्लीकेबल में जाएंगे और यहाँ पर इसको एप्लीकेबल चुनेंगे, इट मीन्स GST की कम्प्लीट सेटिंग हम यहाँ करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने कम्प्लीट GST एक्टिवेशन बताया हुआ है, जिसमें हमको हमने आपको कंप्लीट GST को हम कैसे एक्टिवेट करते हैं वो सब कुछ मैंने बताया हुआ उसमें। वहाँ एक ऑप्शन था सेट अल्टर GST डिटेल, जिसमें हमने नो किया हुआ था, क्यों? क्योंकि हमने आपसे बताया था कि जब हम एक ही किसी कंपनी में काम कर रहे हों और वहाँ एक टाइप से ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ हो रहे हों और जिस पर स्लैब रेट चेंज रहता है, तो हम कंपनी के एक्टिवेशन टाइम में GST का स्लैब रेट सेट नहीं करते हैं, हम आइटम वाइज GST का स्लैब रेट सेट करते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर GST का स्लैब रेट सेट करेंगे, यहाँ एप्लीकेबल कर लिया, सेट अल्टर GST डिटेल में हम यस करेंगे। जिसने भी मेरी पिछली वीडियो ना देखी हो वो ज़रूर देख ले, बिकॉज उसे यदि आप देख लेते हो तो आपको कोई भी GST से रिलेटेड कन्फ्यूज़न नहीं रह जाएगी और ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। हम उसकी कंप्लीट वैल्यू पर GST डिटेक्ट कराते हैं, तो यहाँ वैल्यू चुन लेंगे, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल कर लेंगे, आप देख पा रहे हैं टैक्स टाइप एंड रेट, तो इंटीग्रेटेड टैक्स हम 12% देते हैं, मोबाइल है उस पर हम 12% दे रहे हैं, सबका अलग अलग स्लैब रेट है, मैंने उसको भी पिछली वीडियोस में कम्प्लीटली डिस्क्राइब किया हुआ है, तो आप उसे ज़रूर देखेंगे। यदि आप उसे नहीं देखते हैं तो आपको कन्फ्यूजन्स बनी रह जाएंगी। आपने देखा जैसे मैंने इंटीग्रेटेड टैक्स में 12% दिया, 6% सेंट्रल टैक्स में और 6% स्टेट टैक्स में डिडक्ट कर गया, इट मीन्स CGST और SGST, जो सेंट्रल टैक्स को जाता है और जो सेंट्रल को मिलता है और जो स्टेट को मिलता है वो ऑटोमेटिक डिडक्ट हो गया। इंटीग्रेटेड टैक्स क्या होता है, सेंट्रल और स्टेट का एकीकृत रूप है। मैं एक्सेप्ट कर लेते हैं, कंट्रोल ए करके हम इसे सेव करा लेते हैं। आप देखें टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स है, गुड्स हम यहाँ चुनते हैं क्योंकि GST जो है आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, और अभी हम आइटम पर हमें GST को डिडक्ट कराना है तो हम यहाँ पर गुड्स चुन लेते हैं,
हम सर्विसेज पर आपको आगे अगली वीडियोस में बताएंगे। ओपनिंग बैलेंस में हमें आप कुछ नहीं डालते हैं। यदि हमें डायरेक्ट सेलिंग करना हो, हमें परचेजिंग की एंट्री ना दिखानी हो, तो हम यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं। हम यहाँ इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम चलते हैं बैक स्पेस करते हुए, हम चलते हैं वाउचर करके दिखाते हैं आप लोगों को। ट्रांजैक्शन के अंतर्गत हम अकाउंटिंग वाउचर पर आते हैं। यहाँ पर हम वी प्रेस कर देंगे, वाउचर ओपन होकर के आएगा जिसमें हमें माल को परचेज करना है। हम परचेज और सेल दोनों तरीके से आपको बताएंगे आज। तो हम सबसे फर्स्ट परचेज करते हैं। परचेज का शॉर्टकट होता है F9। आप ध्यान देंगे कि जो वाउचर ओपन होगा परचेज का, वो आइटम इनवॉइस मोड में होना चाहिए। यहाँ हम चलते हैं, हम एक बिल रेफरेंस नंबर यूज़ कर लेते हैं। हमारे जो क्रेडिटर हैं वो SS करके हैं, तो हमने SS-01 कर लिया। हमने डेट 1 अप्रैल 2020 ही रखा एज एग्ज़ाम्पल। पार्टी लेज़र में हमने कर दिया SS ट्रेडर्स। एंटर करते हुए आते हैं, जिस पार्टी से आप माल खरीदेंगे उसका GST नंबर होना बहुत ज़रूरी है, उसका GST रजिस्ट्रेशन डिटेल होना बहुत ज़रूरी है। हम बैक करके एक मिनट आ जाते हैं और आपको हम अल्टर करके दिखाते हैं लेज़र इसका, आप देख लें। जो हम पार्टी लेज़र बनाएंगे, मैंने पिछली वीडियोस में उसको क्लियरली बताया हुआ है, उस वीडियो को आप देख लेंगे तो सब अच्छे से समझ में आ जाएगा, बट मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ सन्ड्री क्रेडिटर हो गया, इसमें सबसे ज़रूरी होता है स्टेट डिटेल एंड टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल। ये डिटेल आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत मायने रखता है। अगर ये इसमें आप इसको एक्टिवेट नहीं करके रखेंगे तो आपके वाउचर टाइम में GST रेट आपका डिडक्ट नहीं करेगा। तो इसको एंटर करते हुए चले आते हैं लेज़र में। हम यहाँ परचेज चुन लेते हैं, हम आइटम चुनते हैं रेट। मान लीजिए हमने 10 पीसेस ख़रीदा, पर पीस रेट 15,000 रुपये है, हमने एक रेट रख दिया। एंटर करते हैं और एंटर करते आते हैं। और भी आइटम है तो हम यहाँ उस आइटम को स्पेस बार प्रेस करके चुनेंगे, अन्यथा हम यहाँ एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे और एंटर करके आ जाएंगे, या एंड ऑफ लिस्ट करें या फिर हम एंटर करके नीचे आ सकते हैं। हम यहाँ फिर से स्पेस बार प्रेस करेंगे, जो हमने CGST और SGST से रिलेटेड लेज़र बना रखा है वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर नहीं है तो आपको लेज़र Alt के साथ C प्रेस करके आप यहीं पर लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ CGST लेते हैं, एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन कुछ भी नहीं है, आप देख पा रहे हैं CGST 6% 9,000 रुपये, 1.5 लाख पर 9,000 रुपये CGST हो गया, और SGST भी आपका 9,000 हो गया, बिकॉज 6% CGST भी है और 6% SGST भी है, तो दोनों बराबर ही रहेगा। एंटर करते हुए नीचे आ जाते हैं, आप देखें प्रोवाइड GST ई वे बिल डिटेल। अगर हमें ई बिल देना है, चूँकि एक्टिवेशन टाइम में हमने वहाँ ई वे बिल को एक्टिवेट किया हुआ था, यस किया हुआ था, इसलिए यहाँ पर ये आ रहा है सेटिंग। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि पिछली वीडियो आप ज़रूर देख लें, यदि आप पिछली वीडियो देख लेते हैं तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। आप यस करेंगे, यहाँ से यस करेंगे तो कंप्लीट बिल, जो एडिशनल डिटेल्स है परचेज का, परचेज टैक्सेबल का, और आपका विल जिसके नाम पर आप कर रहे हो, डिस्पैच डिटेल, जो भी इम्पोर्टेंट विल में आपके डिटेल्स हैं वो यहाँ से आ जाएंगे। इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, इसको मैं कभी डीपली आपको एक वीडियो बनाऊँगा, इसके लिए सेपरेट वीडियो होगा जिसमें मैं आपको इसको डीपली समझाऊँगा। एंटर करते हुए मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, इसको कंट्रोल ए करके हम इसे सेव कर लेते हैं। सेव कर लिया, अब हम चलते हैं सेल करके देखते हैं। यहीं पर हम F8 प्रेस करेंगे, सेल्स वाउचर आ जाएगा आपके पास। यहाँ पर हम एक रेफरेंस नंबर डालेंगे, पार्टी मेरी सुमित करके है, SM-002 हमने डाल दिया। डेट हम वही रखें या चेंज करें, चूँकि ये एग्ज़ाम्पल हम दे रहे हैं, तो यहाँ जब कंपनी में आप होंगे तो आपको अपना डेट चेंज करना होगा। हम यहाँ आपको वही डेट दिखा दे रहे हैं। पार्टी हमने चुन लिया, यहाँ पर उनका डिस्पैच, अगर हमने ऑर्डर वगैरह बुक करके फिर काम किया होगा तो ऑर्डर डिटेल्स वगैरह डालना होगा, नहीं तो कम्प्लीट बायर्स का डिटेल यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर हम सेल लेज़र चुनेंगे, आइटम में हम जाएंगे, रेडमी नोट 9 प्रो हम यहाँ से चुन लेंगे। हम डालते हैं 5 पीस, अगर हम 5 पीस सेल कर रहे हैं 17,000 के रेट से, मान लीजिए मैं सेल कर रहा हूँ, मेरा स्टैंडर्ड रेट है, सेलिंग प्राइस है। यहाँ से एंटर करके हम नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर हम CGST देते हैं,
और एंटर करते आते हैं, SGST प्रोवाइड करते हैं। आप देख पा रहे हैं CGST और SGST ऑटोमेटिक डिडक्ट कर गया। हम माल परचेज किए थे तो हम 9,000 रुपये भर के आए थे, चूँकि 10 पीसेस हमने ख़रीदा हुआ था और यहाँ हमने 5 पीस हम सेल कर रहे हैं, तो यहाँ 5,100 रुपये CGST और 5,100 रुपये SGST डिडक्ट होता है। एंटर करते हुए हम आ जाते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं इसे हम। अगर इसका हम बिल प्रिंट करके आपको दिखाएं तो आपका सेल्स इनवाइस होगा। सेल्स इनवाइस बिल आपके सामने आ गया। आप देखें कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपका नीचे दिखाया गया है, आप ऊपर से देखें इसको, यहाँ कंप्लीट GST डिटेल, कंपनी का नाम और जो आपका वायर है उसका नेम, कंप्लीट इनवाइस डिटेल जो हमने डाला हुआ था, जो नहीं डाला है वो ब्लैंक होकर के आ गया है। ये आपका डिस्क्रिप्शन है गुड्स का पूरा, आप देखें यहाँ वर्ड्स में लिखा है। आप यहाँ देखें नीचे इसमें टैक्सेबल अमाउंट वैल्यू दिया गया है कुल 85,000 रुपये, जो आपका टोटल अमाउंट है आपका जिस पर टैक्स डिडक्ट किया हुआ है वो आपका 85,000 रुपये है, और इसमें सेंट्रल टैक्स 6% और स्टेट टैक्स 6% लगा हुआ है। CGST और SGST को जोड़ करके 10,200 रुपये हुआ और टोटल अमाउंट हो गया आपका 95,200 रुपये। तो इस तरह से हम बिल को भी प्रिंट कर सकते हैं। हम बैक करके आ जाते हैं और हम इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। कंट्रोल ए प्रेस करके हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब हम चलते हैं आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बैलेंस शीट पर हम आ जाते हैं यहाँ से और यहाँ एंटर करते हैं। आप देखें लायबिलिटीज़ शो कर रहा है। जब लायबिलिटीज़ आपका ये लायबिलिटीज़ कैटेगरी में शो करता है तो जान लीजिए आपको देय है, आपका दायित्व है, उसको आप पे करना है। और जब लायबिलिटी आपकी एसेट्स में आ जाती है, अभी लायबिलिटी यहाँ क्यों शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी आपको अपने पार्टी को पेमेंट करना है। आप देखें 1,68,000 रुपये आपको पेमेंट करना है। हम यहाँ से बैक करके आ जाते हैं, हम यहाँ से पेमेंट करके दे देते हैं। यहाँ पर F5 प्रेस करके पेमेंट वाउचर पे आ जाते हैं, पार्टी को सेलेक्ट करते हैं जिसे हमें पेमेंट करना है, SS ट्रेडर्स 1,68,000 रुपये। एंटर करते हैं, अगेंस्ट जाते हैं, यहाँ से इसको एडजस्ट कराते हैं, क्रेडिट में हम कैश कर देते हैं और इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम फिर से चल के रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आप देखें लायबिलिटी आपकी एसेट्स में शो होने लगी। कारण क्या है इसका? अभी आपका टैक्स पेबल नहीं हुआ है, अभी टैक्स रिफंडेबल। अभी आप एंटर करके जाएंगे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में आप देखेंगे तो ये आपका 7,800 रुपये शो कर रहा है जो अभी आपका रिफंडेबल है। अगर यहाँ हम डिटेल देखें, अल्ट के साथ F1 आप कर देंगे तो इसमें CGST अभी आपको प्राप्त करना है 3,900 रुपये और SGST अभी आपको प्राप्त करना है 3,900 रुपये। अभी आपको प्राप्त करना है, रिफंड होना है। टैक्स रिफंडेबल का फॉर्मूला होता है इनपुट टैक्स माइनस आउटपुट टैक्स इक्वल टू टैक्स रिफंडेबल, और टैक्स पेएबल का फॉर्मूला क्या होता है? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स इक्वल टू टैक्स पेएबल। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में इसको इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स में कम्प्लीटली बताया हुआ है, आप इसे ज़रूर चेक कर लेंगे। तो अभी रिफंडेबल, अभी हमें प्राप्त होगा। मैंने आप लोगों से बताया था जितना हम टैक्स भर के आते हैं जब उससे ज़्यादा हमें टैक्स मिलता है तो जो ज़्यादा मिलता है वही उतना हमें टैक्स पे करना होता है। कहने का मतलब आउटपुट में से हम इनपुट को लेस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो जो बचता है अमाउंट वही हमारा पेबल टैक्स होता है। तो हम चलते हैं एक बार सेल करके और देख लेते हैं, तो जो कन्फ्यूजन्स बन रही होंगी आपके दिमाग में वो भी दूर हो जाएंगी। यहाँ हम कैश कर लेते हैं सेलिंग, यहाँ हम पार्टी में कैश दे देते हैं। एंटर करते हुए हम आ जाते हैं। एक चीज़ आप लोग और ध्यान दें, हम जिसे माल सेल कर रहे हैं उसका GST रजिस्टर्ड होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिससे हम माल परचेज कर रहे हैं जो हमसे GST लेगा वो GST से रजिस्टर्ड होना चाहिए। हम चलते हैं 5 पीस और सेल कर देते हैं 17,000 के ही रेट से। एंटर करके आते हैं, हम यहाँ पर CGST देते हैं, CGST हो गया। यहाँ पर हम SGST प्रोवाइड करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको। एंटर करके करें या फिर डायरेक्टली हम Ctrl+A करके चुन लें। अब हम चलते हैं रिपोर्ट देखते हैं बैलेंस शीट में। आप देख पा रहे हैं करंट लायबिलिटीज़ आपका लायबिलिटीज़ में शो होने लगा। करंट लायबिलिटीज़ मीन्स होता है प्रत्यक्ष दायित्व, और आप देख पा रहे हैं
2400 रुपये पेबल हो गया हमारा, 2400 रुपये पेबल हो गया। यहाँ पर हम इसका कंप्लीट डिटेल दिखाते हैं आपको। CGST 1200 रुपये और SGST 1200 रुपये, ये हमारा दोनों मिला करके 2400 रुपये, ये हमारा GST पेबल बना, हमें यही GST पे करना होगा। आपको हम रिपोर्ट दिखाते हैं कि जो हमें 2400 रुपये पेबल कैसे हुआ। स्टेटरी रिपोर्ट पर जाते हैं, GST पर जाते हैं, GST रिटर्न फॉर्म भरा जाता है, आप देखेंगे इसको। ये मैं इसके बारे में भी आपको एक सेपरेट वीडियो बना करके बताऊंगा, GST R1 क्या है, GST R2 क्या है, GST R3 भी क्या है। यहाँ पर आप ध्यान दें, 1.5 लाख का माल आपने परचेस किया हुआ है जिस पर 18,000 आपका टैक्स बना हुआ है, और यहाँ आपने 1,70,000 का माल, वही माल सेल किया है जिस पर आपको 20,400 टैक्स मिला हुआ है। तो 20,400 में से 18,000 को लेस करते हैं तो आपका 2400 अमाउंट होता है जो आपके बैलेंस शीट में पेएबल में शो कर रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको ये बातें समझ में आई होंगी। हम बैक करके आ जाते हैं। तो आपने देखा कि हम GST को परचेज में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, परचेज वाउचर में, सेल्स वाउचर में हम कैसे GST को इम्प्लीमेंट करते हैं, GST पेबल कैसे निकालते हैं, रिफंडेबल क्या होता है, ये सारा कुछ आपने देखा। GST की बिल हम कैसे प्रिंट करते हैं वो भी कम्प्लीटली आपने देखा। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।